साथियों नमस्कार, हमारे चैनल रमन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो फोर लाइन कॉपी पर अंग्रेजी लिखना सीखें। फोर लाइन कॉपी पर अंग्रेजी लिखना सीखें के आज के इस वीडियो में हम छोटे छोटे वाक्य लेकर आए हैं। इन वाक्यों को हम लिखेंगे और साथ में इनका अर्थ भी आपको बताते चलेंगे, ताकि अंग्रेजी लिखने का अभ्यास करने के साथ साथ हम अंग्रेजी भी सीखते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला वाक्य है फोकस हियर। फोकस हियर, एफ ओ सी यू एस, फोकस हियर, एच ई आर ई। फोकस हियर का अर्थ होता है यहाँ ध्यान दो। और अगला वाक्य है फाइंड द सोल्यूशन। फाइंड द सोल्यूशन लिखेंगे एफ आई एन डी, फाइंड द टी एच ई द सोल्यूशन, एस ओ एल यू टी आई ओ एन। फाइंड द सोल्यूशन का अर्थ है हल ढूंढो। और अगला वाक्य लिखेंगे हम लोग लीव इमीडिएटली। लीव इमीडिएटली, लीव लिखेंगे एल ई ए वी ई, लीव इमीडिएटली, आई डबल एम ई डी आई ए टी ई एल वाई। इमीडिएटली का अर्थ होता है अभी निकलो। और अगला वाक्य हमारा है गो होम। गो होम लिखेंगे जी ओ गो और एच ओ एम ई होम। गो होम का अर्थ है घर जाओ। अगला वाक्य है हैंडल दिस। हैंडल दिस लिखेंगे एच ए एन डी एल ई, हैंडल दिस, टी एच आई एस दिस। हैंडल दिस का अर्थ होता है इसे संभालो। और अगला वाक्य है हमारा से समथिंग। एस ए वाई से समथिंग, एस ओ एम ई सम, टी एच आई एन जी। से समथिंग का अर्थ है कुछ बोलो। और अगला वाक्य है स्पीक मोर क्लियरली। स्पीक मोर क्लियरली लिखेंगे एस पी ई ए के, स्पीक मोर एम ओ आर ई, मोर क्लियरली, सी एल ई ए आर एल वाई। स्पीक क्लियरली मतलब और साफ बोलो। अगला वाक्य लिखेंगे हम लोग, अगला वाक्य है स्पीक मोर लाउडली। स्पीक मोर लाउडली एस पी ई ए के, स्पीक मोर एम ओ आर ई, मोर लाउडली, एल ओ यू डी लाउड एल वाई ली, लाउडली, और जोर से बोलो के बाद में अगला वाक्य है स्पीक मोर क्विकली। स्पीक मोर क्विकली एस पी ई ए के, स्पीक एम ओ आर ई, मोर क्विकली, क्यू और यू आई सी के एल वाई। स्पीक मोर क्विकली का अर्थ होता है और जल्दी बोलो के बाद में अगला वाक्य है स्टैंड फेस टू फेस। स्टैंड फेस टू फेस, स्टैंड लिखेंगे एस टी ए एन डी, स्टैंड फेस, एफ ए सी ई फेस, टी ओ टू, फिर है फेस, एफ ए सी ई फेस। स्टैंड फेस टू फेस का अर्थ होता है आमने सामने खड़े हो। अगला वाक्य है टेल मी व्हेन टू गो। टेल टी ई डबल एल, टेल मी एम ई मी, व्हेन डब्ल्यू एच ई एन व्हेन, टू गो टी ओ टू, गो जी ओ गो का अर्थ होता है
बोलो कब जाना है, टेल मी व्हेन टू गो, बोलो कब जाना है के बाद में अगला वाक्य है ऑल राइट, A-L-L, ऑल राइट, RIGHT, ऑल राइट का अर्थ होता है ठीक है। अगला वाक्य है कम फिक्स इट, कम फिक्स इट लिखेंगे COME, कम फिक्स, FIX, फिक्स इट, ITE, इट, आओ इसे ठीक करो के बाद में अगला वाक्य है नॉट मच, नॉट मच लिखेंगे NOT, नॉट मच, MUCH, नॉट मच का अर्थ होता है ज़्यादा नहीं के बाद में अगला वाक्य है नॉट दिस मच, नॉट दिस मच लिखेंगे नॉट NOT, नॉट THIS, दिस मच, MUCH, मच, इतना नहीं ठीक है, इतना नहीं के बाद में अगला वाक्य है जस्ट अ लिटिल, जस्ट अ लिटिल, जस्ट अ लिटिल लिखेंगे JUST, जस्ट अ लिटिल, LITTLE, जस्ट लिटिल का अर्थ होता है बस थोड़ा सा, ये ई है ठीक है, बस थोड़ा सा के बाद में अगला वाक्य है लुक अगेन, लुक अगेन लिखेंगे LOOK, लुक अगेन, AGAIN, लुक अगेन मतलब फिर से देखो। और अगला वाक्य है लुक एट मी, लुक एट मी लिखेंगे LOOK, लुक AT, एट मी, ME, लुक एट मी मुझे देखो। और अगला वाक्य है कम इनसाइड, कम इनसाइड लिखेंगे COME, कम इनसाइड, INSID, साइड, कम इनसाइड का मतलब है अंदर आओ। और अगला वाक्य है रिमेंबर मी, रिमेंबर मी लिखेंगे REME, REME, MBER, रिमेंबर मी, ME, रिमेंबर मी का अर्थ होता है मुझे याद रखना। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने 4 लाइन कॉपी पर अंग्रेजी लिखने का अभ्यास किया, अंग्रेजी लिखना सीखा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल रमन विद्यार्थी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।